जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और जिस तरह हमारी बच्चियां, उन बच्चियां जिनको मोदी जी उस आधी आबादी को बहुत सम्मान सुरक्षा के साथ में आगे बढ़ाने के लिए, हर देश के जो विकास है, भारत की जो रफ्तार है, उसमें आहुति देने के लिए बराबर से नारी को लेकर आ रहे हैं। जब वो G20 की महत्ता को लेकर उसको समझते हुए इस तरह की रंगोलियां, इस तरह आप देख रहे हो जगह जगह इतनी सुंदर उन्होंने अपने विचारों को रखा है, तो ये हमें बिल्कुल अपने आप में एक उत्साह और ऊर्जा से भरता है कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, ये आधी आबादी देश के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। मैं बहुत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगी, चाहे लाभार्थियों के सम्मेलन की बात हो, बूथ पर जाकर काम करना हो, अभी आंगनबाड़ी में होकर आई हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अद्भुत लगा कि G20 चल रहा है और इतना बड़ा कार्यक्रम कश्मीर में होके चुका है, और आज स्कूल में आप चारों तरफ जिस तरह से G20 को लेके प्रतियोगिता हुई है, बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन है। निश्चित तौर पे ये जो भविष्य की आबादी है, ये जो भविष्य की शक्ति है, जननी है, ये जब इतनी मजबूती और मानसिक तौर से इतनी और मजबूत होती है तो बहुत अच्छा, आनंदित होता है। देखिए, जो G20 का विषय है वो जो 22, 23, 24 तारीख को जम्मू कश्मीर में हुआ, उस पर फोकस करते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल और भारतीय जनता महिला मोर्चा की तरफ से इस पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें G20 को मेन फोकस रखा गया था। प्रधानमंत्री जी का जो डायलॉग है, वासुदेव कुटुंबकम का, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसको लेकर के बच्चों ने तरह तरह की पेंटिंग बनाई है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।